हेलो पाइसेस, सो देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक। मार्च का पहला हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा? ओके पाइसेस, पाइसेस इस हफ्ते में आप लोग के लिए काफ़ी, पहली चीज़ तो डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई दिखती हैं। काफ़ी हद तक आपके काम होते हुए दिखते हैं, विशेस फुलफिलमेंट के कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड आया है बोल्डनेस का, अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं आप लोग के लिए, नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, न्यू एनर्जीज हैं, न्यू ब्लेसिंग्स हैं। इट्स अ वेरी गुड कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड रहोगे, करियर ओरिएंटेड रहोगे, प्रैक्टिकल रहोगे। जो मन की इच्छा है वो आप कहोगे कि भाई मेरे को तो ये करनी ही करनी है, दुनिया को जो बोलना है, जो सोचना है सोचिए। एक चीज़ का आपने बहुत ही गौर से ध्यान देना है, वो ये कि आप थोड़ा सा ना आपकी बोलने के तरीके में थोड़ा सा रूड हो सकते हो। बहुत ज़्यादा गुस्से में आके रूड होकर कुछ ज़्यादा गलत शब्द मत बोल दीजिएगा, वो आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, बाद में माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, गिल्ट हो सकता है। इसलिए सोच समझ कर बोलिएगा, गुस्से पर और अपने बोलने के तरीके पर काबू रखिएगा, ये अच्छा माना जाएगा। ये कुछ मेन एडवाइसेज हैं। बाकी जहाँ पर भी आपको कोई चीज़ गलत लगेगी, आप स्टैंड लेने वाले हो, उठकर बोलने वाले हो, ये दो कार्ड्स इन चीज़ों को इन्हों वैलिडेट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जस्टिस, प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, वेरी बोल्ड एक्शंस आप लेने वाले हो इस हफ्ते में। कोई भी आपसे पंगा नहीं ले सकता पाइसेस, जो भी आपसे पंगा लेगा उसको भारी पड़ेगा, बिकॉज जो आपके दिल में है सीधा सीधा बोल देने वाले हो। ये आपके एनर्जीज दिखनी, वेरी क्लियर एनर्जीज। नाउ इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ गुड लक, कोई इच्छा पूर्ति के एनर्जीज दिखते हैं, कि जो आपके मन की इच्छा है, बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो, मे बी इन एग्जाम, एजुकेशन, ट्रैवल के योग दिख रहे हैं, सेल्फ लव कह लो, अपना मूड कह लो, बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर तो गुड लक के कार्ड्स आए हैं विद दैट, तो विशेस फुलफिलमेंट, आपकी प्रार्थनाओं की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आती है दिख रही हैं। जो इतने टाइम से मन न शिद्दत से आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, अब फाइनली वो काम होता हुआ दिखेगा आपको, फाइनली उसमें ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। तो ये सारी चीज़ों में एक अच्छी एनर्जीज आप लोग के लिए देखी जाएंगी, जो आपके लिए हेल्प भी करेगा और आपके काम भी बनाएगा। तो ये एक अच्छा आप लोग के लिए एनर्जीज देखी जा रही हैं विद दैट। यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज़ यू नो कि आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा रहने वाला है स्पिरिचुअली। आप यू नो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, नेचर, वॉट एवर, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो कुछ भी कह लो, रीडिंग बुक्स, जो कुछ भी कह लो, और अपने काम में आपका बड़ा ध्यान लगेगा। थोड़ा मूडीनेस है बट दैट्स ओके, पर आप लोग का इंट्यूशन बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी मन में चाहोगे वो अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिविटी रहेगी, यू विल फील, जो आपको सच्चे दिल से प्यार करेगा आप वो समझ जाओगे। सो यू नो इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाला है, सो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन। आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। जो भी मैं कह रही हूँ ना बार बार, कि अपने काम के ऊपर बड़ा अच्छा फोकस रखना, काम के थ्रू से आपको बहुत बढ़िया सक्सेस, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। ऑल्सो इन बिजनेस, ट्रैवल, बहुत नो मैं कहूँगी 80-90% रेटिंग काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी फेवरेबल आई है। ट्रैवल के योग हैं, सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिविटी है। बिजनेस में ऑलरेडी अगर बिजनेस में हो तो न्यू बिजनेस करते हुए दिखते हो, जॉब में हो तो जॉब में मे बी साथ में बिजनेस या कुछ न्यू जॉब या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, तो वो भी आती हुई दिखती हैं। तो ये एक ऑल ओवर से बहुत ही सपोर्टिव रीडिंग आप लोग के लिए बन रही है, जो हर रूप से एक दिव्य कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोग के ऊपर बनी हुई मुझे दिख रही है। ये ब्लेसिंग्स मुझे दिख रहे हैं अभी तक। यहाँ पर बी क्रिएटिव, वही कार्ड्स आए हैं, बी क्रिएटिव। यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी कि क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी रहने वाली है, तो जो भी चीज़ आपको खुशी देती, मे बी आपका कोई काम ही ऐसा है, या मे बी आपका काम ही आपको खुशी देता ऑलरेडी, लाइक फॉर एग्जांपल जो भी आपका काम हो, शायद आपके अकेले बैठ के शांति से एनालिसिस करने में, काम करने में आपको हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी फील होती, तो ज़रूर कीजिए, आप लोग के लिए वो चीज़ अच्छा माना जाएगा।
यहाँ पे अगेन गोइंग इन नेचर, वो पर्सन नेचर में गया है एंड बटरफ्लाई को देख के ना इसे अमेज हो रहा है कि वाह सच अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। ये हमारे साथ होता है ना जब हम नेचर में जाते हैं, हम फ्लावर्स को देखते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स को देखते हैं, हम बोलते हैं वाह ये कौन है जो इतनी कलाकारी दिखा रहे हैं। मतलब कुदरत को अगर आप देखो तो इतनी ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी है कि हमें विश्वास नहीं होता कि इतना परफेक्ट नेचर कैसे बना सकता है। दिमाग ही पूरा का पूरा घूम जाता है एंड कोई आंसर्स नहीं मिलते। मैं तो कहीं जू चली जाऊँ, कहीं नेचर में चली जाऊँ, मतलब मैं तो देखती ही रह जाती हूँ। मतलब दिमाग और जुबान दोनों बंद ही हो जाती है कि क्या कहें यूनिवर्स के आगे कि इतनी खूबसूरत एक बटरफ्लाई तक को भी इतनी सिस्टमेटिक तरीके से लाइनें दी होती हैं, इतना प्रिटी कलर शेडिंग। ओ माय गॉड, मैं एक बार बर्ड्स के म्यूजियम म्यूजियम कह रही हूँ, बर्ड सेंचुरी में चली गई थी। माय गॉड इतनी खूबसूरत, पर उनको केज में देख के फिर अच्छा भी नहीं लगता, वो दुख भी होता है। बट चलो एनीवेज, इस प्रकार से नेचर से आपने ज़रूर कनेक्ट होना है। इस हफ्ते आप लोग के लिए एडवाइस ये दी जा रही है एंड आर्ट क्रिएटिविटी नेचर रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स आएंगे, बिकॉज मे बी आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिकॉज ये भी कार्ड देखो कितना खूबसूरत है, ये यहाँ से ना ऊपर वाले का एक वर्षा हो रही है डिवाइन ब्लेसिंग के, सब हाथ उठा के वो कृपा ले रहे हैं, वो ब्लेसिंग ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जश्न कर रहे हैं, मगन है कि जो कुदरत दे, जो कुदरत हमें सौंप देगी हम वो स्वीकार कर लेंगे। हमारा गुरु, हमारा अल्लाह, हमारा भगवान हमारे लिए जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, तो उस मौज में, उस मगन में, उस लीला में उनके काम हो रहे हैं। तो बहुत बार कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं कह रहे, ऊपर वाला है हमसे करवा रहा है, तो वो शिद्दत उस भावना से इस हफ्ते को चलाइएगा। अहंकार नहीं, काम अच्छा हो जाने का अहंकार नहीं, काम ना होने का दुख नहीं, इस भाव से काम पे आप अपना ध्यान लगाइएगा तो ज़रूर आपके काम भी बनेंगे, मन भी आपका लगेगा और आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स भी फील होंगी। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।